हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। ब्रोकली कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसे खाना घर में हर कोई पसंद नहीं करता है। तो आज हम लोग बनाते हैं ब्रोकली पैटीज़। पैटीज़ तो सभी खाएंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का निशान है उसे टच कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने इस तरह ब्रोकली को अच्छी तरह धो लिया है और धो करके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ग्रेट कर लेते हैं। तो मोटे वाले साइड से ही इसे ग्रेट कर लीजिए। मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा हम इन्हें भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसी पैन में मैं फिर से 1 चम्मच तेल डाल लेती हूँ और इसमें मैं 1 कटा प्याज डाल लेती हूँ। हल्का सा ही हम सौटे कर लेते हैं। साथ में मैं ब्रोकली भी डाल लेते हैं, जो हमने ग्रेट करके रखा था इसे भी डाल लेते हैं और थोड़ा सा इन्हें हम सॉफ्ट कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे आपको ये काम नहीं करना है, लो टू मीडियम पे आप इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। जो इसमें मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ड्राई ड्राई सा हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लिया है। इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं और गैस को बंद कर लेते हैं। इसमें मैं डाल लेती हूँ 1 उबले आलू। उबले आलू को मैंने छील करके और इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। फिर मैं इसमें ले लेती हूँ ये जो हमने मैदा को भून करके रखा है। आप इसकी जगह चाहें तो ब्रेड क्रम ले सकते हैं या फिर बेसन को भून कर ले सकते हैं। मैंने मैदा को भून कर लिया है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा को भून के ले लिया है और मैं इसमें डाल लेती हूँ ये मसाला है मैजिक का 1 पैकेट। आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं या सिर्फ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और मैं ले लेती हूँ 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। और एक बार इन सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह और अब इनके पैटीज़ बना लेते हैं। इस तरह आप गोल, हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, जैसा भी मन हो वैसा बना लीजिए। मैं इसे गोल शेप ही दे रही हूँ। इस तरह आप इसे पैटीज का शेप दे दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मत बनाइए, क्योंकि छोटे होते हैं तो हमें सर्व करने में आसानी होती है। तो इस तरह आप अपने सभी पैटीज को शेप दे दीजिए। फिर से मैंने अपना पैन चढ़ा लिया है और डाल लेते हैं तेल। हम फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब हम डाल लेते हैं अपने पैटीज को। तो एक साथ आप इसमें 4-5 डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपका पैन कितना बड़ा है। और अब हम इसे एक साइड से अच्छी तरह सिक जाने देते हैं। पहले पलट लेते हैं इन्हें, तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इस तरह हम अपने सभी पैटीज को पलट लेते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप ब्रोकली का पैटीज बना कर खिलाएंगे तो भला कौन
ब्रोकली खाने से मना कर पाएगा। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।